वूलन का पैड है, और ये हमारी कूलर जो लोहे की बॉडी होती है उसमें हमने बदलना है। अभी हमने एक पुराना निकाला है तो देखिए कितनी गंदगी है, और ये नया पैड लगाया है तो आपको ये सिखाएंगे कि ये कैसे करना है, तो प्लीज़ कीजिए। तो पहले हमने सी लगा रखी थी, तो आप भी ऐसी लगाए तो बेहतर है। इससे क्या होता है कि बहुत मजबूती आ जाती है, बट कुछ इलेक्ट्रिशियन नहीं कर रहे हैं तो वो भी डिपेंड करता है। और ये काम ऐसा है कि फ्रेंड्स आप किसी की हेल्प के बिना खुद भी कर सकते हैं, जस्ट थोड़ी सी शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो ये देखिए आप, ये चारों तरफ से मुड़ा होता है और इस में जो है जगह होती है उसमें फंसाना होता है। और जब भी लोहे का जो कूलर होता है उसको प्रॉपर साफ कीजिए, और पेंट हर साल जरूर करना है। तो ये हमारा ये जाली जाली लग गई है तो उसको हम हटा रहे हैं, और आप चाहो तो ये नया भी ये वुलन ये जो नेट है ये हमारा लोहे का, ये नया आपको 40 से 50 रुपए बाज़ार में मिल जाएगा। अगर आपका एक कूलर का पैड गल जाए तो ये भी आपको 300 से लेकर 400 रुपए पर पीस मिल जाता है। जैसे ये हमने ये तीनों पैड जो है पिछले साल ही बनवाए थे तो हमें जो है कम से कम 1100 से लेकर 1200 रुपए खर्चा आया। तो ये साफ़ कर रहे हैं प्रॉपरली। तो आप चाहो तो अगर आपकी बॉडी का ये हिस्सा ख़राब हो जाए पैर तो आप नया भी बनवा सकते हैं, जस्ट आपको इसका साइज ले जाना पड़ता है या पुराना ले जाना पड़ता है दुकान के पास, फिर वो वहाँ पर जो है फिर कहते हैं कि उसके साइज के हिसाब से आपको वो नया बनाकर दे देते हैं। तो ये शायद हटा रहे हैं प्रॉपरली, और अब जो है ये हमने लिया ये आपको वुलन वाला पैड जो है अराउंड 60 से 70 रुपए सस्ते वाला, और ये हम पुराने वाला हटा रहे हैं, जबकि बढ़िया वाला आपको 100 से 125 रुपए का आएगा। डिपेंड करता है कौन सा शहर है, तो जितना महंगा शहर होगा उतना ही महंगा जो आपको सामान वहाँ पर मिलेगा। तो ये हम हटा रहे हैं, तो काफ़ी बुरी तरह से लगता है हमारा गल गया। तो प्लास्टिक वाले में क्या होता है कि उसमें नट्स होते हैं, लोहे वाले में जस्ट तारें फंसाई जाती हैं। और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा सफाई कर सकें, बट आप इसको अच्छी तरह से साफ ज़रूर कर लें, थोड़ा सा कर लेते चलो। तो ये अब देखिए कैसे आपने इसको लगाना है, तो चारों तरफ से प्रॉपरली फंसाना है, और ये हमारा शायद गलने भी लगा है। आने वाले टाइम में हम नए पैड रखेंगे ताकि वीडियो बनाने में आसानी रहे। तो मे बी आप चाहो तो स्टील के भी आजकल कूलर आने लगे हैं तो स्टील वाले पैड भी आप ले सकते हैं। और ये देखिए इसको कैसे आपने फंसाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। पैड लगाना निकालना तो आसान है, बस ये इसमें ये देखिए आप पास से बिल्कुल कैसे इसमें फंसाया जा रहा है। अगर बाई चांस ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाए गल जाए तो ये आपको तारों का जो सेट है ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और ये देखिए कैसे इन्होंने फंसा रहे हैं, तो कई बार दिक्कत भी हो सकती है और आपको चोट भी लग सकती है। तो कई बार ये होता है कि तार काफ़ी जिद्दी मुड़ती नहीं घुसती नहीं, तो प्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ये हो रहा है, और आजकल जो है हमने जैसे YouTube में देखा है कि ऐसे कूलर भी आ गए हैं इंडोर के लिए कि पानी की जगह जेल होती है, बट वो मार्केट में नहीं मिल रहे, बस YouTube में ही दिखे हैं। तो मे भी वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है पानी वाले कूलर से। और ये हम इसमें फंसा रहे हैं, प्रॉपर आपको दिख जाए कि कैसे फंसाया जा रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स किस तरह से आपने फंसाना है, तो दम का काम है ये, मतलब अगर आपके पास ताकत है हिम्मत है तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो किसी इलेक्ट्रिशियन से करवा लीजिए, वो आपसे 50 से 100 रुपए ले लेगा। नहीं तो आप पैड को जो है आगे स्कूटी में रखकर दुकान पर भी ले जा सकते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा
जो है पैड लगभग तैयार है। बेहतर रिजल्ट के लिए आप पतली सी जो धागा होता है वो बंधवा लें या खुद ही बांध लें। तो ये था फ्रेंड्स, आपका क्या शुभ नाम है? सन्नी। संजय, कौन से गांव से हो, कौन से मतलब शहर से? लुदास से। हाँ, गुरदास कहाँ पर? लुदास। लुदास गुरदास हर हिसार में है क्या? लुदास। अच्छा, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं इस वीडियो